हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के लिए ऐसी मुश्किलें खड़ी की हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंडनबर्ग की आंधी में अडानी की आधी संपत्ति उड़ गई, लेकिन मुश्किलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जांच एजेंसियों ने अडानी समूह पर निगरानी बढ़ा दी है। रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी की रेटिंग निगेटिव कर दी है। इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने अडानी के शेयरों के फ्री फ्लोट स्टेटस में भी कटौती कर दी है। अब सेबी ने भी इसकी जाँच शुरू कर दी है। बाजार नियामक सेबी अडानी के कुछ निवेशकों के साथ उनके रिलेशन की भी जाँच करेगी। अडानी एंटरप्राइजेज के FPO से जुड़े दो एंकर इन्वेस्टर्स के साथ संबंधों की जांच अब सेबी ने शुरू कर दी है। सेबी अडानी FPO, जिसे बाद में कंपनी ने वापस ले लिया, उसके दो एंजल इन्वेस्टर ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड और आयुष्मत लिमिटेड के साथ कंपनी के रिश्तों की जांच की जाएगी। शेयरों की खरीद में किसी भी नियम के उल्लंघन की जाँच सेबी ने शुरू कर दी है। अडानी के FPO में पैसा लगाने वाले ये दोनों ही एंकर निवेशक मॉरिशस में बेस्ड हैं। आपको बता दें कि अडानी समूह ने 20,000 करोड़ का FPO जारी किया था। फुल सब्सक्रिप्शन के बावजूद इसे वापस ले लिया गया था। अब सेबी FPO की प्रक्रिया की जांच करेगा। इस बात की जांच की जाएगी कहीं एंजल इन्वेस्टर से उसके कोई रिश्ते तो नहीं या किसी भी तरह के हितों का टकराव तो नहीं है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में इन दोनों का जिक्र किया था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि अडानी की एक प्राइवेट एंटिटी में इन दोनों की हिस्सेदारी है। अब सेबी इस बात की भी जांच कर रही है कहीं FPO में एलारा और मोनार्क का कोई घालमेल या हितों का टकराव तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।